हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि 4 वोल्ट 1500 mAh एमरजेंसी लाइट कैसे बनाते हैं। इसमें ये एक बैटरी लगी हुई है जो 4 वोल्ट 1500 mAh की बैटरी है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक स्विच द्वारा, एक ऑन ऑफ स्विच द्वारा इस 4 वोल्ट LED स्ट्रिप पे कनेक्ट किया गया है, और माइनस ये आपस में बैटरी का माइनस और ये LED बल्ब का माइनस आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर चार्जिंग के लिए मोबाइल चार्जर के 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल को एक डायोड द्वारा यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, और इसके इंडिकेशन के लिए यहाँ से 1 के रेजिस्टेंस द्वारा एक LED कनेक्ट की गई है, जिसका ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ आप रेड या ग्रीन कोई भी LED का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम फ्रेंड्स, जब लाइट मान लिए चली जाती है तो हम इस स्विच को प्रेस कर देंगे। ये मेरी बैटरी से सप्लाई इस स्विच से होती हुई ये मेरी 4 वोल्ट LED स्ट्रिप को जाएगी, और यहाँ से होते हुए ये माइनस टर्मिनल पर कनेक्ट हो जाएगी और ये मेरा LED स्ट्रिप ऑन हो जाएगी। और इसके मोबाइल को, जब हम मोबाइल को चार्ज कर बैटरी को चार्ज करते हैं तो यहाँ से मोबाइल चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई यहाँ पे डायोड पे जाएगी, और ये डायोड से होती हुई ये इधर मेरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे चली जाएगी, और ये निगेटिव टर्मिनल यहाँ से होता हुआ बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे सर्किट को कम्प्लीट कर देगा। ये डायोड का इस्तेमाल रिवर्स बायसिंग के लिए किया गया है। फ्रेंड्स, जब आप मोबाइल को ये बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये सप्लाई यहाँ पर बैटरी को जाएगी और माइनस द्वारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा, और इसके इंडिकेशन के लिए यहाँ से ये वोल्टेज यहाँ से होता हुआ सप्लाई होती हुई 1 के रेजिस्टेंस द्वारा ये LED पे आएगी और ये माइनस पे ये सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा, जिससे LED ग्लो करने लगेगी, जिसका मतलब है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। जब बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इस स्विच को प्रेस कर देंगे, जिससे ये सप्लाई LED स्ट्रिप में होती हुई माइनस पे आ जाएगी, इधर से जो सर्किट को कंप्लीट करेगी और ये आपकी LED जलने लगेगी। ये बहुत ही एक सिंपल सर्किट है फ्रेंड्स। इस सर्किट के हिसाब से मैंने इस सर्किट को कंप्लीट जोड़ लिया है। ये मेरी बैटरी है, ये मेरे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो कि यहाँ इस डायोड द्वारा मोबाइल चार्जिंग पिन पे कनेक्टेड है, और इसका निगेटिव टर्मिनल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, और यहीं बैटरी से पॉजिटिव सप्लाई लेके मैंने इस स्विच पे दी है, और इस स्विच से होते हुए इस LED स्ट्रिप पे कनेक्ट कर दी है। ये 4 वोल्ट LED स्ट्रिप है, जो कि जिसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से, एक वायर को पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा बैटरी पे और निगेटिव टर्मिनल द्वारा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया है। और इस LED स्ट्रिप चूंकि दो पार्टों में है, इसलिए पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में। फ्रेंड्स, इसके सर्किट को मैंने पहले से शोल्डर करके रख लिया था आपको शो करने के लिए, और ये बॉक्स, ये सारा सामान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये मेरा रोटरी स्विच है, जिसको मैं ऑन करता हूँ तो ये मेरी LED एमरजेंसी लाइट ग्लो करने लगती है, और इसको आप इसी स्विच से वापस ऑफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इससे ज्यादा सप्लाई के भी पावर बैंक बना सकते हैं। यहाँ पर 4 वोल्ट 1500 mAh की जगह 4 वोल्ट 2000 mAh या 3000 की mAh की बैटरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइट काफी लंबे समय तक जलती रहेगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ये काफी लंबे समय तक काम करेगी। और आप ये किसी मोबाइल चार्जर, आप कोई भी किसी भी फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे मोबाइल चार्जर लगभग 4 वोल्ट के होते हैं, और अगर आप 1 एम्पियर की रेटिंग से चार्ज करेंगे तो जल्दी चार्ज हो जाएगी, और अगर 500 mAh या 750 mAh की साढ़े सात सौ मिली एम्पियर के चार्जर से चार्ज करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा।